हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स एप ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप ज्ञान। आज का मेरा टॉपिक है कंप्लीट नॉलेज अबाउट स्टेटमेंट इन एसएपी। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे जो एसएपी में जो है कस्टमर और वेंडर का स्टेटमेंट कितने तरह से बना सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या डाटा एसएपी से डाउनलोड करने होते हैं और फिर जाके हम वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इसी के बारे में आज का वीडियो बनाया है मैंने। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स एप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को शुरू से आगे। तो एसएपी में जो है कस्टमर और वेंडर का जो है आप कितने तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है कस्टमर पेंडिंग एआर स्टेटमेंट। तो इसमें जो है जब आप कस्टमर का आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे आप कस्टमर स्टेटमेंट पहला जो है सो एआर पेंडिंग का स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो उसमें अब जैसे क्या होता है ना कि आपको मैनेजमेंट या आपका डिपार्टमेंट या आपका कस्टमर ये कहता है कि आप मेरे को ये बताइए कि हमारा कितना टोटल पेंडिंग है, वो डिटेल दीजिए जिससे हम वो पेमेंट आपको कर सकें। तो इसलिए कि उनको पेंडिंग का स्टेटमेंट चाहिए। तो पहला आप पेंडिंग स्टेटमेंट में उसमें आपको क्या क्या डालना होता है, तो कस्टमर का ऑल ओपन आइटम या पेंडिंग ऑल ए आर लेजर। इट मीन्स ये हुआ कि जितना भी उनका पेंडिंग ओपन आइटम में आ रहा है वो सारे पेंडिंग है पेमेंट के लिए, तो वो आपका सारे डिटेल होंगे। दूसरा क्या डिटेल होगा, कस्टमर ऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब उन्होंने जितना भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो डिटेल होंगे आपके ओपन आइटम में। और थर्ड नंबर, अगर उन्होंने कोई एडवांस दिया है या मटेरियल के लिए या कोई और चीज के लिए तो वो एडवांस डिटेल होगा। तो ये कस्टमर पेंडिंग डिटेल में ये तीन डिटेल आपको एसएपी में मिलेंगे और ये तीन डिटेल से आप स्टेटमेंट बना के और पेंडिंग एआर का स्टेटमेंट आप कस्टमर के साथ, मैनेजमेंट के साथ या जो भी डिपार्टमेंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला तो आप ये कस्टमर का ये स्टेटमेंट एआर पेंडिंग का बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखिए आप क्या बना सकते हैं। दूसरा है आप कस्टमर स्टेटमेंट। अब आप जब कस्टमर का लेजर में आप जाएंगे तो वहां पे अब आपको अगर किसी एक कस्टमर का स्टार्ट से लेके और टिल डेट तक, करेंट डेट तक अगर स्टेटमेंट उनको चाहिए तो आप सेकेंड उनका वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। उसमें आपको डेट देना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कब से और कब तक उनको चाहिए, वो डिटेल भी आप एसएपी में बना सकते हैं। उसमें आप क्या क्या उसमें आपको डिटेल मिलेंगे, तो कस्टमर ऑल आइटम या ऑल लेजर। तो जब आप कस्टमर लेजर में जाएंगे तो वहां पे ऑल आइटम आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका डेट पीरियड देना है तो वो भी डाल के आप निकाल सकते हैं, और अगर लेजर का कंप्लीट लेना है तो ऑल आइटम सेलेक्ट करके भी आप ले सकते हैं। तो एक तो डिटेल आपका ऑल लेजर का आपको लेना है या ऑल आइटम का, दूसरा आप कस्टमर ऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट का, जितने भी कस्टमर ने शुरू से लेके और आज तक जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया वो डिटेल का सारे डिटेल वहां पे लाइन आइटम वाइज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वो डिटेल आप वहां पे ले सकते हैं। और थर्ड नंबर, कस्टमर ने शुरू से लेके और टिल डेट तक, करेंट डेट तक जो भी एडवांस दिया है वो डिटेल भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों डिटेल मिला के और फिर आप कस्टमर स्टेटमेंट का बना सकते हैं। तो सेकंड नंबर तो आप कस्टमर स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड जो है कस्टमर अकाउंट्स पेंडिंग एआर एपी स्टेटमेंट। अब आप तीसरा स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, तो कस्टमर का अकाउंट्स पेंडिंग, कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, अकाउंट स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कस्टमर का डिटेल तो होता ही है पेंडिंग का, साथ में वेंडर का भी डिटेल होता है। तो अब देखिए इसी चीज का मैंने पॉइंट बना के डाला हुआ है, कस्टमर ऑल ओपन लाइन आइटम, जितने भी कस्टमर का ऑल ओपन आइटम है वो सारे आपको लेना है या पेंडिंग एआर लेजर भी आप कर सकते हैं, जितने भी ओपन में आ रहे हैं वो लेंगे।
सेकेंड वेंडर ऑल ओपन लाइन आइटम या पेंडिंग पेबल ऑल लेजर, सेम चीज ओपन वेंडर में जितना भी ओपन लाइन आइटम में आ रहा है पेंडिंग का वो सारे आप डाटा लेंगे। दूसरा हो गया, थर्ड नंबर आप कस्टमर का ऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे जितने भी ओपन आइटम में आ रहे हैं, जो करेंट में उनका कितना सिक्योरिटी कंपनी के पास में है वो करेंट का वो सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेंगे। फोर्थ नंबर में कस्टमर का ऑल एडवांस लेंगे, जितना भी करेंट में उनका एडवांस पड़ा हुआ है वो सारे ओपन आइटम वाला लेंगे। और फिफ्थ नंबर में वेंडर ऑल एडवांस है, जितना भी वेंडर ने एडवांस वेंडर को कंपनी ने दिया है वो एडवांस का डाटा लेंगे। तो ये पांचों डाटा मिला के आप एपी और एआर का पेंडिंग का स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो आपको डाटा सारे एसएपी में कस्टमर और वेंडर दोनों लेजर में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड आप ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा स्टेटमेंट बना सकते हैं, चौथा कस्टमर अकाउंट्स एआर एपी स्टेटमेंट। अब चौथा है कि कस्टमर का अकाउंट स्टेटमेंट, तो वो पेंडिंग स्टेटमेंट था, ये अकाउंट स्टेटमेंट है। अब इसमें भी जो है आप कस्टमर का और वेंडर का दोनों डाटा लेके, होता यह है कि जब कंपनी किसी कस्टमर को अपना फ्रेंचाइजी देता है तो वो एक कस्टमर भी होता है, और साथ में वो कस्टमर जो काम करता है जो फ्रेंचाइजी दिया है उसके अगेंस्ट में जो उनको कमीशन मिलता है तो वो वेंडर भी होता है। तो इसलिए कि जब हमें स्टेटमेंट इस तरह का बनाना होता है तो वहाँ हमें दोनों डाटा की जरूरत होता है, उनका कस्टमर का भी डाटा चाहिए और उनका वेंडर का भी डाटा चाहिए, फिर जाके हम फाइनल समरी बना के और उनको बता सकते हैं कि हमारा ये एआर का डाटा है, ये एपी का डाटा है और ये हमारा बैलेंस ड्यू है जो आपको पे करना है। तो इसमें आपको क्या क्या डाटा लेना है, कस्टमर ऑल आइटम या एआर ऑल लेजर। तो इसमें आपका कस्टमर का लेजर का ऑल लेजर आपको लेना है या ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। सेकंड आपको वेंडर का ऑल आइटम आप लेंगे, वेंडर का ऑल लेजर आप लेंगे डाटा, फिर कस्टमर का ऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट का डाटा लेंगे, फिर चौथा आप जो कस्टमर का ऑल एडवांस का लेंगे, जितना भी शुरू से लेके आज तक उन्होंने कंपनी को दिया है एडवांस वो डाटा लेंगे, और कंपनी ने वेंडर को जितना भी एडवांस दिया वो डाटा लेंगे। तो ये पांचों डाटा मिला के फिर आप कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं। ये सारे डाटा आपको कस्टमर और वेंडर लेजर में मिल जाएंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट पांचवा स्टेटमेंट हम वेंडर पेंडिंग एपी स्टेटमेंट। अब ये होता है कि वेंडर कहता है कि हमें जो है कंपनी को कि जो हमें आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, तो जब हमें वेंडर को पेंडिंग का स्टेटमेंट डिमांड होता है और हमें देना होता है या कंपनी देता है कि हमारा ये पेंडिंग है ये आप पे कीजिए, तो उस टाइम में जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें दो डाटा एसएपी से बनाने होते हैं वेंडर टिकोड के थ्रू। तो पहला क्या है, वेंडर ऑल ओपन आइटम वेंडर या पेंडिंग ऑल पेबल लेजर। तो वेंडर के लेजर में जाके हमें सारे ओपन आइटम में जितना भी आ रहा है वो सारे पेंडिंग फॉर पेमेंट है जो हमें वेंडर को पे करना है, तो वो डाटा हम पहला लेंगे। सेकंड नंबर क्या है, वेंडर ऑल एडवांस, जो कंपनी ने एडवांस दिया है वो डाटा लेंगे कि आपको आपका जो है टोटल क्लेम हमारे पास मान लीजिए 50,000 का आया, जिसके अगेंस्ट में हमने 20,000 आपको एडवांस दे दिया, टोटल आपका ड्यूज बच गया 30,000 जो हम आपको पे करेंगे। तो ये डाटा आप पेंडिंग का स्टेटमेंट में ये दो चीज डाटा आपको एसएपी से लेने होते हैं, और फिर आपको स्टेटमेंट बना के आप शेयर मैनेजमेंट या आप अपने कोई टीम के साथ या वेंडर के साथ में इस तरह से बना के फिर आप शेयर कर सकते हैं। तो पांचवा आप ये स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए सिक्स नंबर में है अकाउंट पेबल स्टेटमेंट। अब अकाउंट पेबल स्टेटमेंट में क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है, तो आप वेंडर का ऑनलाइन आइटम को डाटा लेते हैं एसएपी से वेंडर लेजर से, या वेंडर ऑल लेजर ले लेते हैं, या आप डेट वाइज लेना चाहें तो डेट पीरियड वाइज भी आप ले सकते हैं,
वो डाटा सारे अवेलेबल है एसएपी के अंदर में। दूसरा वेंडर ऑल आइटम एडवांस, आप वेंडर का ऑल एडवांस भी वहां से आप ले सकते हैं, जितना भी कंपनी ने शुरू से लेके आज तक एडवांस दिया है वो डाटा भी एसएपी में अवेलेबल होता है। फिर जाके आप जो है वेंडर अकाउंट स्टेटमेंट पेबल स्टेटमेंट बना के और फिर अपने मैनेजमेंट के साथ या उस वेंडर के साथ आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप एसएपी में वेंडर और कस्टमर का ये 6 तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं।